नमस्कार, मेरा नाम है अरीश कुमार साहनी एंड यू आर वॉचिंग जस्ट हिंदी। आज के गेस्ट हैं हमारे अमरजीत सिंह जी शास्त्री फ्रॉम आर्य समाज। शास्त्री जी, आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, मंडे है, 24 दिसंबर है, सब लोगों की छुट्टी है और सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं लोगों को बताने के लिए कि उनके लिए अच्छी चीज़ क्या है। जी, मैं देखता हूँ कि जब भी हम किसी हिंदू मंदिर में जाते हैं तो हमारे को केला दिया जाता है प्रसाद के। और बहुत सारे लोग जब मंदिर में जाते हैं तो केले लेके जाते हैं। अभी केले का इतना महत्व क्या है? सभी को नमस्ते। केला एक ऐसा फल है जिसको सामान्य से सामान्य आदमी खरीद सकता है और बड़े से बड़ा आदमी खरीद सकता है। बहुत खूब, ये खरीदने के लिए है। अच्छा, लेकिन जैसे आप उसको मंदिर में लेके जाते हैं खरीद के, और जब मंदिर के पुजारी पंडित कोई भी उसको प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके साथ हमारी श्रद्धा ज़्यादा हो जाती है। तीसरी बात, जब भी हम केले का यूज़ करते हैं, आप देखें बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयरों को, मैं बोरिस बेकर का मैं मैच देखता था, मुझे याद है बचपन में जो वो टेनिस खेलते थे और जब उसके बीच में ब्रेक होता था तो वो किसी भी उसको नहीं पीते थे, कोल्ड ड्रिंक को या और किसी भी चीज़ को, वो केवल एक केला खाते थे, ऊपर से पानी पीते थे और दोबारा से मैदान में आ जाते थे। दूसरी बात, जैसे जैसे आप केला खाते चले जाएंगे और आपकी हैबिट बनती चली जाएगी, एक तो कभी भी जीवन में आपको पेट की बीमारी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगा, कभी भी कब्ज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, केला आदमी को शीतल रखता है, ठंडा रखता है। केले की जो तासीर है, जो उसका गुण है, वो ठंडा होने का है। तो जब जब व्यक्ति जो व्यक्ति केला खाएगा, जैसे मिर्च खाने वाला व्यक्ति है, हमारे गुरुजी कहा करते कोई तीखा बोलता था ना तो उसको कहते थे लगता है ज़्यादा मिर्च खाते हो। तो इसी तरीके से केले का एक स्वभाव है जो व्यक्ति को ठंडा रखता है, और जो व्यक्ति ठंडा रहता है ना वो जीवन में बहुत ऊंचा जाता है। तो केले को आप अगर औषधि की दृष्टि से देखेंगे तो वो शरीर के लिए ठीक है, पेट हमारा ट्रांसफार्मर है, अगर पेट ठीक रहेगा तो ये सारी की सारी बॉडी में एनर्जी डाइवर्ट करता है, भेजता है, और पेट ही खराब हो गया तो आप कुछ भी कर ले आप चल नहीं सकते। पर बहुत लोगों को केला खाना पसंद नहीं है, और मैं लोगों से विनती करूंगा कि आप गूगल में जाके देखिए कि केले के कितने फ़ायदे हैं। मैंने जब गूगल किया और केले के बारे में पढ़ा और 3-4 पेज लगातार में उसके बेनिफिट ही बेनिफिट लिखे हुए हैं, तो मेरा तो दिमाग घूम गया कि आजकल के ज़माने में लोग केले क्यों नहीं खाते। सानी जी, एक्चुअली पता क्या है कि लोगों को ये लगने लगता है कि ओल्ड फैशन है। अच्छा, वो केक फ्रूट खाना, केक खाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे। आज इस देश में हम रहते हैं ना जिसको अमेरिका कहते हैं, इस देश में आप देखें मोटापे की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ जी, तो इससे बचने के लिए व्यक्ति को नेचुरल फूड पे आना पड़ेगा। बिल्कुल, केला एक ऐसा फ्रूट है, आप खाओ शुगर नहीं होगी, नहीं होगी। और लोग है ना मीठा खाने का जब मन करता पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हैं जो नहीं खाने की है, उसके बाद फिर उनको दवाइयां लेनी पड़ती है। आप केला खाओ, मन से भी स्वस्थ, तन से भी स्वस्थ और जीवन से भी स्वस्थ। पर मैंने सुना कि केले को खाने से इतनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, मोटापा भी कम हो जाता है, उससे पेट भी अच्छी तरह से भर जाता है, एक केला खाओ एनर्जी आ जाती है। मतलब केले के बारे में मैं लोगों को बोलूंगा कि आप केले के बारे में सोचें और हो सके तो इसको अपनाओ। मैंने एक बात इसकी केले के बाद मैं दूसरी बात आपको एक बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने सर्वे देखा कि वर्ल्ड में मोर देन 2 बिलियन पीपल मेडिटेशन कर रहे हैं। अब ये मेडिटेशन जो इतने पहले तो कोई करता नहीं था, जब से हिंदुस्तान वर्ल्ड में सब फैलता जा रहा है, लोगों में मेडिटेशन की बात सबके दिमाग में आती जा रही है, और अच्छे अच्छे कंपनी के सीईओ जो हैं वो भी मेडिटेशन करते हैं, और उनका कहना है कि मेडिटेशन करने से उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, मन में शांति आती है, विचार अच्छे अच्छे आते हैं। तो ये जो मेडिटेशन जो है ये अपने हिंदू भाइयों के लिए कितना ज़रूरी है, उनको कैसे करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं साहब, आपने एक ऐसा टॉपिक टच किया है सानी जी कि जो सबको जीवन में शांति और सुख देता है उसको कहते हैं मेडिटेशन। आपने जो शुरुआत की थी ना, आपकी नींव बड़ी अच्छी थी, मुझे नहीं पता था आप कैसे शुरू क्यों कर रहे हैं। आपने जो केले से शुरू किया जिसको हम फ्रूट कहते हैं, जो आदमी नॉन वेज खाता, बुरा मत मानना, अगर किसी को बुरा लगे तो मेरी बात मेरी, अच्छी लगे तो बात आपकी है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, हमारे यहाँ कहावत है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। बहुत खूब, बहुत खूब। तो केला जो है जब मनुष्य को शांति देता है तो शांति के बाद मनुष्य का जीवन अच्छा सोचने को मजबूर होता है। आज जैसे आपने कहा ना, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में देखता हूँ, मैं खुद योगा करवाता हूँ, मैं योगा टीचर भी हूँ पृष्ठ होने के साथ साथ, मैं खुद लोगों को योगा करवाता हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ सानी जी
जिसने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, जिसकी हाई ब्लड प्रेशर की टेबलेट खत्म हो गई, बहुत खूब, जिसकी शुगर की टेबलेट खत्म हो गई, और जो अपने जीवन को जीने लगा, जो पहले अपने जीवन को काट रहा था फिर वो अपने जीवन को जीने लगा। लेकिन सानी जी, इसके साथ एक समस्या क्या हुई, हमने पूरी दुनिया को योग दिया। लोग कहते हैं ना कि भारतीयों ने दुनिया को क्या दिया, क्या दिया, तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि भारतीयों ने दुनिया को योग दिया। और हमारे जितने हिंदुस्तानी भाई हैं उनको इस बात का गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, हम अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखे। अगर कोई हमें ये कहे कि तुमने दुनिया को क्या बांटा, तो हमने दुनिया को पुराने समय में जीरो दी और आज के समय में हमने लोगों को हीरो बनाने के लिए योग दिया। योग दिया। योग का दूसरा पार्ट है मेडिटेशन। आजकल लोगों ने योग को दो जगह डिवाइड कर दिया। योगेश्वर कृष्ण गीता में लिखते हैं सानी जी, हाँ जी, योग कर्मसु कौशलम। पर मैंने एक बात और देखी है कि जितने लोग आजकल योगा कर रहे हैं वो अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। हाँ। अब 2 बिलियन पीपल हैं, पर 2 बिलियन योगा के सिस्टम भी बन गए हैं, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है वो योग कर रहे हैं, मेन चीज है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं। अब हम अपने हिंदुओं भाइयों से और अपने व्यूअर्स जो भी हमको देख रहा है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो भी इस बारे में सोचें और मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें। सोचे नहीं, मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, अगर आप सुख से अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय आप अपने जीवन का मेडिटेशन में लगाएं। एक सत्य है, जितना समय आप मेडिटेशन में लगाएंगे ईश्वर आपकी आयु को उतना बढ़ाता चला जाएगा। मैं जैसे गीता की बात कर रहा था साहब, योगा कर्मशु कौशलम, योगेश्वर कृष्ण लिखते हैं, वो कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य योग करता जाएगा उसके कार्यों को करने की एबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी, लोग उसको पसंद करने लगेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को योग करते देखा साहब, जिन्होंने जीवन के 60 वर्ष बिता दिए ये सोच के कि योग कुछ नहीं है। हाँ जी। लेकिन जैसे ही उन्होंने योग को करना शुरू किया तो वो कहते हैं कि काश इस चीज का हमें पहले पता चलता। और मैं पूरी दुनिया के लोगों से एक बात कहूंगा, मैं धन्य देता हूं उस भारत की धरती को जहां पे स्वामी रामदेव जैसा ऋषि पैदा हुआ। हाँ जी। हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, लेकिन लोग नहीं जानते थे। नहीं जानते। लेकिन एक बाबा जिसको रामदेव जी के नाम से लोग जानते हैं, उसने पूरी दुनिया को योग करने के लिए मजबूर कर दिया और लोगों ने योग को ऐसे अपनाया जैसे अमृत को कलश को लेते हैं। आप सानी जी किसी बड़े होटल में चले जाएं, मैं पिछले दिनों घूमता रहता हूं, तो मैं सुबह सुबह, मेरी घूमने की आदत है, तो मैंने देखा कि हर बड़े होटल में एक योगा टीचर अपॉइंटमेंट। ओहो, ये तो बड़ी गजब की। हर बड़े 5-स्टार होटल में योगा टीचर लोगों ने रख रखा है। अच्छा। कि जिसको सुबह हमारे यहाँ जो गेस्ट रुके हुए हैं अगर इनको योगा करना, तो हमारे यहाँ पहले आपने सुना होगा जिम होती थी, जिम होती थी, स्विमिंग पूल होते थे, लेकिन आजकल जो अच्छे स्टैंडर्ड के होटल हैं उन सब में योगा टीचर लगा रखे। अमरजीत जी, मैं आपको नई बात बताता हूँ, लोगों ने आजकल वैन चालू कर दी है। अच्छा। मैनहट्टन में वैन जाके खड़ी हो जाती है। हाँ। जिसको मेडिटेशन करता है वो वैन में आता है, उसको उसका जैसा उसको म्यूजिक चाहिए वैसे म्यूजिक दिया जाता है, वो वैन में बैठ के मेडिटेशन करता है। एक बात मैं करेक्शन करूंगा सानी जी, मेडिटेशन का म्यूजिक के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि जब जब आप मेडिटेशन करेंगे ना सानी जी, तो आप अपनी आत्मा से बातें करेंगे, अंदर से बातें करेंगे, पर ये सिखाया नहीं जाता। हाँ, ये सिखाया नहीं जाता। एक्चुअली पता सानी जी, संसार में वो चीज बिकती है जो वो चीज लोग देते हैं जो बिकती है, जो बिकती है वो चीज नहीं देते जो ओरिजिनल है। जैसे आपके पास ये जर्नल, ये है मैगजीन है, इसके ऊपर योगा लिखा और एक महिला बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, ठीक बात है। ये योगा का पहला पार्ट है जिसको स्ट्रेचिंग कहते हैं। हाँ। ये जो मेडिटेशन आपने कहा ना सानी जी, ये योगा की उच्च स्थिति है। इसको जो जो करता चला जाएगा उसका जीवन अपने आप में सुनहरा होता चला। और जैसे बोला जाता है मेडिटेशन करने के लिए तुमको 20-25-30 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठना पड़ता है, तो योगा जो किया जाता है जिससे बॉडी मजबूत हो और तुमको बैठने की शक्ति मिले, तो ये बड़ा जरूरी है। तो आज हमने लोगों से ये विनती करेंगे कि यदि उनको मेडिटेशन के बारे में नहीं पता है, उनको सीखना है, तो नियरेस्ट टेम्पल में जाके किसी भी योगा टीचर से मिल के आप इस बारे में सीखें, और हो सके तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करके योगा मेडिटेशन चालू करें, और खुद भी नहीं करें साथ में अपने बच्चों को भी बिठाएं, उनसे भी मेडिटेशन कराएं, जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा और आपको अच्छा लगेगा कि मैंने अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहा हूं। मैं सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, आज का मनुष्य जो है, सभी नहीं लेकिन जो आज का मनुष्य पैसे कमाने के लिए शरीर को खो देता है, बहुत की, और शरीर को पाने के लिए पैसे को खो देता है, बहुत ठीक। फिर मनुष्य के पास बचता कुछ नहीं है। जो मुझे सुन रहे हैं, जो जस के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबसे मेरी प्रार्थना है
आपको लगे कि हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं, सानी जी हैं, मैं डॉक्टर अमरजीत शास्त्री हूँ, आपके जीवन में परमात्मा सुख दे और आपके सुखों को ढूंढने के लिए, आपके सुखों को बताने के लिए इन सर्च ऑफ ट्रूथ लेकर के हम आपके पास आते हैं। अब ये जो हमने टॉपिक लिया है, पहले तो हमने बताया कि खाने पीने में फल फूड खाने, मैंने एक बात आपने नोट की होगी, यदि आप किसी नॉन वेजिटेरियन फूड को रख दो और वेजिटेरियन फूड को रख दो, वेजिटेरियन फूड 2-3 दिन तक कुछ नहीं होता, जबकि नॉन वेजिटेरियन फूड में बास आने लगेगी और आप उसको खा नहीं सकते दूसरे दिन। साहने जी, आजकल लोग है ना इतने पढ़ लिए हैं कि लोगों को ये लगने लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना जो ऋषियों की बताई हुई है ये गड़बड़ है, और लोग इतने वैज्ञानिक हो गए हैं उनको ये लगता है कि जो शॉर्टकट तरीका है ना, KFC है, मैकडोनाल्ड है, ये जो तरीका है ना लोगों को ये लगता है ये बड़ा इजी तरीका है, फास्ट एंड इजी। हाँ, लेकिन अपने जीवन को वास्तव में अगर हम बचाना चाहते हैं तो हम ऋषियों की बताई हुई प्रणाली को स्वीकार करें, जिसमें वेजिटेरियन फूड सबसे पहले आता है। आप जैसा जैसा खाते जाएंगे, सोचते जाएंगे, और जैसा सोचते जाएंगे वैसा करते जाएंगे, उसी से आपकी आइडेंटिटी बनेगी। अमरजीत जी, आपने एक बात देखी होगी कि हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं जी। अब मैं एक जगह पढ़ रहा था नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन में कि संस्कृत इज द फर्स्ट लैंग्वेज, और बाकी जितनी भी यूरोपियन लैंग्वेज और मिडिल ईस्ट की लैंग्वेज हैं वो संस्कृत से ही निकली हैं। ये बात हमारे लोगों को भी पता नहीं है और इनका पता होना जरूरी है, जिससे तुम गर्व से कह सको कि संस्कृत पहली भाषा है और संस्कृत सबको जानना चाहिए। और संस्कृत जैसे कि बोला जाता है कि नासा में भी कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज से कंप्यूटर अच्छी तरह से चल सकता है। कंप्यूटर की सबसे सेट लैंग्वेज जो है ना वो संस्कृत। दूसरी बात क्या है, जो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है पूरी दुनिया का, जिसको ऋग्वेद कहते हैं, पूरी दुनिया में उससे पहले की कोई बुक नहीं पाई जाती है। इसको सारी दुनिया के सारी दुनिया के जितने भी पढ़े लिखे जो कम्युनिटी है उसको मानते, जो प्रोफेसर हैं, जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ऋग्वेद से पहले दुनिया में कोई बुक नहीं थी, और ऋग्वेद की जो बुक है वो संस्कृत में लिखी। एक्चुअली पहले की जो भाषा होती थी वो संस्कृत होती थी, ऋषि महर्षियों की भाषा होती थी। आजकल हमारी स्थिति उतनी ऊंची नहीं है, इसलिए दुनिया में इतनी भाषाएं बनती चले गई, उसको बोलने वाले लोग बनते चले गए। लेकिन जब भी आप भारतीय संस्कृति को पढ़ना चाहेंगे, भारतीय दर्शन को जानना चाहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं संस्कृत साहित्य के रूप में मिलेगी, और जैसे जैसे मिलेगी माँ सबको बराबर देती है। अमरजीत सिंह जी, अभी हमारा प्रोग्राम कि हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहें। आज का टॉपिक जो नेक्स्ट होगा वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपसे प्रार्थना, धन्यवाद, आप आएँ। एंड आवर प्रोग्राम इज इन सर्च ऑफ ट्रुथ। इस प्रोग्राम में हम अच्छी अच्छी बातें लेके आते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। और आज यदि आप अभी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं तो अमरजीत शास्त्री बता रहे थे कि पिछले प्रोग्राम में हमने क्या कहा। हमने पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे कि संस्कृत जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, जिसके बेसिस पे सारी लैंग्वेज आई हुई हैं। तो हम चाहेंगे कि लोगों को संस्कृत के कुछ श्लोक सीखने चाहिए। तो अमरजीत सिंह, जबकि पता है कि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है और वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, और इसी लैंग्वेज के ऊपर आज नासा वाले सोच रहे हैं कि कंप्यूटर चलने चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को संस्कृत सीखनी चाहिए। और संस्कृत सीखने के लिए सबसे सरल तरीका ये होगा कि वो एक दो श्लोक जो तीन शब्द के हैं, या सबसे अच्छा तो ये होगा कि वो गायत्री मंत्र सीखें। देखो साने जी, इस दुनिया में जो मुख्य बातें होती हैं, जैसे मुस्लिम परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है उसको उर्दू सिखाई जाती है ताकि वो अपने धर्म ग्रंथ जो है कुरान पढ़ सके। जो क्रिश्चियनों के यहाँ पैदा होता है, आप सब जानते हैं कि बाइबल इंग्लिश में लिखी हुई है, वो उन बच्चों को सिखाई जाती है लैंग्वेज ताकि वो बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़ सके। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाहे सिख धर्म में पैदा होने वाले बालक हों और चाहे हिंदू धर्म के पैदा होने वाले बालक हों, उन बालकों को सब कुछ सिखाया जाता है लेकिन धर्म से संबंधित बातें नहीं सिखाई जाती है, भाषा नहीं सिखाई जाएंगी तो जो उनके धर्म ग्रंथ उनको वो कैसे पढ़ेंगे। रही बात, आप किसी भी चीज का जब ट्रांसलेट करते हैं तो ओरिजिनल होता है और ट्रांसलेट होता है। और एक बात मैंने और देखी, यदि आपको अपनी भाषा पता हो तो उस पर आपको गर्व होता है, आपका अपने आप ही सोचने का तरीका बदल जाता है। सानी जी, मैं किसी कॉलेज का इंटरव्यू देख रहा था, फॉक्स 9 करके कोई चैनल है, हाँ, तो
किसी कॉलेज में बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे कोई टीवी वाले, तो वो कहने लगे भी आप कौन से धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म, तो आप अपने धर्म की कोई खासियत बताएं, मतलब बस आई एम बोर्न ऑन हिंदू, तो ये कोई खासियत नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा ना गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो चारों वेदों में पाया जाता है। गायत्री को सावित्री भी कहा जाता है। गायत्री में 24 छंद होते हैं जो मनुष्य को 24 घंटे एनर्जी देते हैं। और मैंने ये सुना है कि सबसे ज्यादा वाइब्रेशन इस श्लोक में है, इस मंत्र में है। यदि आप इसका जाप करते हैं तो इससे आपकी पूरी बॉडी में बड़ा असर होता है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात सानी जी ये है, जो इसकी दूसरी लाइन है ना, धियो यो न प्रचोदयात, मैं इसको जितनी बार भी बोलता हूँ, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि को है ना अच्छे मार्ग पर लेकर के चलना। बहुत, क्योंकि जब तक बुद्धि अच्छे मार्ग पर चलती रहेगी, जीवन में मनुष्य कभी डगमगाएगा नहीं। और जैसे ही मनुष्य की बुद्धि डाइवर्ट हो जाएगी, फिर अच्छे अच्छे बालक भी खराब हो जाते हैं। अच्छा, आज मैं आपसे एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि ये साल 2018 खत्म हो रहा है, 2019 आ रहा है जी। लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए कि अगले साल के लिए हमको क्या करना चाहिए। लोगों की उम्र गुजरती जा रही है, पीछे क्या हुआ उसको भूल जाओ, आगे क्या करना इसका सोचना बड़ा ज़रूरी है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि अब नया साल 2019 आ रहा है, हमको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? मेरा कहना तो ये है कि कुछ भी प्लानिंग करो उसको लिखना ज़रूरी है। देखो, एक तो जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं उसको लिखने से वो क्लियर हो जाती है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अपने अच्छे मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को बताओ कि मैं 2019 में ये करने वाला हूँ। ये क्यों? ये इसलिए ताकि जैसे ही तुम उस चीज़ को भूलने लगोगे ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे भाई बहन वो तुमको कहेंगे, अरे तू उस दिन तो ओथ ले प्रतिज्ञा कर रहा था कि मैं नए साल में ये करूँगा, तो जल्दी ही अपनी बातों को भूल जाता है। तो अपने आप में जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो क्या है कि मनुष्य को एनर्जी देते हैं। हाँ। अगर वो अच्छे होंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक अच्छे बनते चले जाएंगे। तो जरूरी है कि आप अगले साल की प्लानिंग करो, सोचो कि मुझे क्या करना है, जो करना है वो फिर अपने दोस्तों को, घर वालों को बताओ कि मैं ये करना चाहता हूँ। मेरी सबसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम है ना सोचते बहुत कुछ हैं, और सच बात ये है कि जिन्होंने 2018 के शुरू में सोचा होगा उनको आज हंसी आ रही होगी कि मैंने सोचा था लेकिन किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। हम वो सौभाग्यशाली मनुष्य हैं जो परमात्मा की इस धरती पर 2019 को देखने वाले बनेंगे, वरना हमारे बहुत से दोस्त, बहुत से फैमिली मेंबर हमें बीच में छोड़ करके चले गए। हम है ना दो तरह का जीवन जीते हैं। हम जैसे सानी जी, मेरा एक दोस्त है, वो शराब का व्यापारी है। अच्छा। तो जैसे ही नया साल शुरू होता है तो मैं उसको कहता हूँ, मगा भाई हैप्पी न्यू ईयर, और कैसा चल रहा है? तो वो कहता आज तक तो ठीक है शास्त्री जी, लेकिन जनवरी फरवरी थोड़ा सा मंदा जाएगा। मगा क्यों? मिला कई आदमी है ना प्रतिज्ञा करेंगे नए साल से शराब बंद। अच्छा। तो जनवरी में निभाएंगे, थोड़े से फरवरी में निभाएंगे, और जैसे ही मार्च में होली आएगी लोग दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो चीजें है ना, इसको जीवन में हम इस तरीके से भूल जाते हैं जैसे कुछ नहीं था। हम ऐसे नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं। और अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, हम अपने मम्मी पापा को बताएं कि मम्मी माताजी मुझे ये बनना है, पिताजी मुझे ये करना है, दोस्त मैं ये करूँगा, और तुझे मुझे बताता रहना है कि मुझे करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो हमारे श्रोता, जो लोग हमको देख रहे हैं जी, वो इस बारे में सोचें कि अगले साल हमको क्या करना है, वो लिखना चालू करें अपने 10, 15, 20, 25 आइटम कि इसको मैं इस तरह से निभाऊंगा। मेरी सबसे प्रार्थना चाहिए आप एक करें, एक लिखें, पांच लिखें तो पांच करें, और है ना पांच अगर गड़बड़ होने लगे तो उसमें से दो जरूर चूज करें कि मुझे ये करना है, ताकि जब 2020 को हम शुरू करेंगे, अगले साल जब हम बैठे होंगे, परमात्मा हमको जीवन दे इतना, तो आके उन दो के ऊपर देख करके हमें ये लगे कि पिछले साल मैंने ये लिखा था या मैंने किया था, अब मैंने इसको पा लिया है और अगले साल मुझे उससे आगे वाली सीढ़ी को पाना है। पर अमरजीत जी, ये बात तो पक्की है कि जब हम इस दुनिया में हैं तो अलग अलग तरह की काम है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। हेल्थ पहले इम्पॉर्टेंट है, तो हेल्थ के बारे में सोचना जरूरी है। तो मैं चाहूँगा लोग हेल्थ के बारे में सोचें, फिर फाइनेंशियल के बारे में सोचें, फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचें, फिर
किस तरह से जीवन बिताने से सुख और शांति मिलेगी उसके बारे में सोचें। जैसे कहा जाता है कि फॉरगेट एंड फॉरगिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफ कोर्स फिर लविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लव एवरीबॉडी भले कोई आपको लव करे कि नहीं करे। अब मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आप किसी से मिलते हो तो सोचते हो कि पहले वो मुझे नमस्कार करे कि मैं उसको पहले नमस्कार करूँ। इस कन्फ्यूजन में लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं और मेरे को हैरानी होती है कि ये छोटी सी बात में सोचना किस बात का। और मैंने पढ़ा ये है कि सोचते इसलिए है कि मैं उससे बड़ा हूँ तो पहले वो छोटा है तो उसको मुझे नमस्कार करना चाहिए। तो मेरे कहने में कि जब भी आप किसी से मिले पहले उसका नमस्कार करो फिर आगे बात जी करो। दुनिया में कैसी चीज है जिसको सम्मान कहते हैं, रिस्पेक्ट कहते हैं। आप जितना देते जाओगे ना उससे ज़्यादा पाते चले जाओगे। आजकल के हमारे बालक जो नई पीढ़ी, कोई मुझे सुन रहा हो तो बुरा ना माने, हमारे नए बालकों को लगता है कि मैं ये क्यों करूँ। हाँ, दूसरा कोई कर नहीं रहा है, दूसरा कोई कर नहीं रहा है। आप इसको जो भी इसको लागू करेगा, और सबसे पहली बात मैं सबसे प्रार्थना करूंगा हम इसको अपने परिवार से लागू करें। हमारी अगर आइडेंटिटी हमारे परिवार में अच्छी है ना तो हमें लोगों की प्रवानी करने की हम कैसे हैं, क्योंकि हमारा परिवार हमारे बारे में जानता है। सानी जी, आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं अपने घर में आता हूं ना तब तो तीखा बोलता हूं, और घर से बाहर जाता हूं ना तो मैं मीठा बोलता हूं। बड़ी अचरज की बात है, ये बहुत अचरज की बात है। हम अपने आप को बदलने के लिए अपने घर से इस सिस्टम को शुरू करें और फिर देखें जो हमारे रिश्तों की खुशबू है वो बढ़ती चली जाएगी। और नया साल, नए साल में हम ये प्रतिज्ञा करें, ये प्रण करें कि जो मेरे अपने हैं जिनको मैं भूल गया था उनसे मैं बातें करूं, वो नहीं करना चाहते फिर भी मैं जबरदस्ती करूं, क्योंकि मेरे मन को ये संतुष्टि होगी कि मैंने अपनी तरफ से पहल की अपने रिश्तों को बचाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए, अपने आप को ये करने के लिए कि मुझे जिस परिवार में जन्म मिला है उस परिवार की योग्यता और संस्कारों को मैंने अपने जीवन में बनाया है। आजकल लोग दोस्तों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिश्तेदारी पे कम ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि मेरे दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं, रिश्तेदार इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि दोस्त आएंगे और चले जाएंगे, पर रिश्तेदारी आपकी कभी टूट नहीं सकती। आप भले अपने आप को तोड़ लो लेकिन आपका रिश्ता टूट नहीं सकता, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन है, वो रिलेशनशिप है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि लोग रिश्तेदारी में वापस जाएँ, उनसे मिलें, नए वर्ष के अंदर भाईचारा बढ़ाएं, और इससे आपको जो खुशी मिलेगी हमको फिर बताना आप प्रोग्राम में जब हम करेंगे। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, आप अगर सुन रहे हैं, आपका जो अपना परिवार है आप सबसे बातें करने की कोशिश करें, चाहे एक मिनट करें, और ख़ासकर आपके परिवार के जो बड़े हैं, जैसे जैसे आप उनका सम्मान करते चले जाएंगे वो आपसे और कुछ नहीं मांगते हैं, वो केवल रिस्पेक्ट चाहते हैं। हम दूसरों को देते हैं, स्ट्रीट पर चलते हुए हम गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, स्माइल देते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर में आते हैं पता ही नहीं हमको क्या हो जाता है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है अपने जिन रिश्तों पे धूल जम गई है उन रिश्तों की धूल को नए साल पे आप हटाएं, अपनी भूल को ख़त्म करें, और उस धूल को जब ख़त्म कर देंगे, जब आप अपनों के साथ जिएंगे तो आपको मज़ा आएगा। वैसे तो सारा संसार हमारा परिवार है। सानी जी जो टाई लगा के आए उस पर एक वाक्य लिखा हुआ था, जब हम बैठे तो मैं देख रहा था, वसुधैव कुटुंबकम। वैसे तो ये सारी पृथ्वी अपना परिवार है, ये सिर्फ लेकिन ये सिर्फ हिंदू लोग समझते हैं। हाँ, ये केवल हम समझते हैं, सच बात है। इसलिए हमारा दर्शन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इस नए साल के प्रारंभ में हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि परमात्मा सब सुखी हों, और जो मेरे अपने हैं जिनके कारण मेरा अस्तित्व मेरी पहचान है, परमात्मा मेरे संबंध उनके साथ मधुर हों, और मैं अपने संबंधों को ऊँचा उठाऊँ, जीवन को ऊँचा उठाऊँ, अपने जीवन में योग को शामिल करूं, मेडिटेशन को शामिल करूं, और अपने परिवार के लिए मैं थोड़ा सा समय दूं। अमरजीत जी, आपने जो बात बताई, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिससे पता चला कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने किसी भी देश में आक्रमण नहीं किया। और सबसे बड़ा एग्जांपल है रामचंद्र भगवान जी का, वो लंका गए, लंका जीते और लंका को बोला कि भाई विभीषण तुम संभालो, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे यहाँ कोई रहना देना नहीं। बहुत अच्छी बात की आपने इस एपिसोड के अंत में। मेरी सबसे प्रार्थना है, मैं यही चाहूँगा कि जो हमारा है वो तो हमारा हो, लेकिन जो दूसरे का है ना वो हमारा कभी ना। ये आपकी इस लास्ट बात के बाद मैं चाहूँगा कि हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करें, और मैं लोगों से विनती करूँगा कि हमारे प्रोग्राम को देखते रहें। और थैंक यू वेरी मच, हैप्पी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड आप सबसे कीप वॉचिंग इन सर्च ऑफ ट्रुथ। मेरी आप सबसे प्रार्थना, नया साल आपके जीवन में मंगलमय हो, आपको और आपके परिवार में खुशियाँ दे, जो भूलें किसी से हो गई हैं उनको आप माफ़ करें, और मस्ती के साल अपने नए साल की शुरुआत करें,
सबको परमात्मा सुखी रखे। ये जो चैनल है जस, परमात्मा इसके सबको सुखी जीवन दे, लंबा जीवन दे। ये जो मेरे साथ बैठे हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम लेकर के आपके घर तक आते हैं, आपको छूने का प्रयास करते हैं, इस तरीके से आप हमसे जुड़ें, हम आपसे जुड़ें, और इसी देश से इसी तरीके से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको नए वर्ष की मंगलमय मंगल कामना।